अच्छा एक बताओ मेरे को चीज़, आप दुबई आए हो वैसे कभी? हाँ गया कई बार गया। क्या फीडबैक है जगह की, कैसा लग रहा है, कैसी दुबई लगती आई है? हाँ वेंट यू नो वेन दुबई वॉज लाइक ऑल सैड एंड शेख मोहम्मद वॉज डिफेंस मिनिस्टर, उन दिनों की यस, बात है। लॉन्ग बैक। या सो दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप। एक ही होटल होता था हयात, पता नहीं गलादारी इसका किसी का, ग्रैंड है यार। हाँ सम आई डोंट रिमेम्बर। तो मेरा जो दोस्त था वही कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली, तो वो मुझे लेके गया। वैसे तो तभी भी देखा हमने पुराना दुबई भी देखा, फिर उसके बाद में दुबई तो अभी अभी अल्ट्रा मॉडर्न हो गया है। लास्ट आई वेंट तो शाम को क्या होता है, देख यार साफ बात है, हमारे जैसा करेक्टर सब घरों में घुसे होते हैं। सोशल लाइफ जो है किसी घर में डिनर है तो है, खड़ा पैसा होगा बहुत लोगों के पास, लेकिन एक और जो ड्राइनेस होता है ना, अब ये बॉम्बे जैसे में जो रह जाए उस दुनिया में कहीं है, बॉम्बे एक ऐसी जगह है कहीं भी जाओ दुनिया में, हेवन भी चले यार। चलो अभी 3-4 दिन हो गया, निकलो बॉम्बे चलते हैं। साला बॉम्बे वापस आते ही मैं एयरपोर्ट पर लफड़ा हो जाता है, वहीं से टेंशन चालू हो जाती है। और क्या हो तो आया क्यों नहीं हाँ साहब, वो ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए मैं सारे वैसे अपनी गाड़ियों में चले गए, मैं वेट कर रहा हूँ ऐसे लड़ा हुआ। तो कोई ना कोई बात नहीं, ये तो हमारे श्रवण कुमार का भी था ना, बम्बई में अपने माँ बाप को लेके आया, यात्रा कर रहा है हिंदुस्तान की, वो तो बेचारे आँख से नहीं थे तो वहाँ वो चौपाटी में चला गया, तो वहाँ बिठाया उन लोगों को। और उसके बाद में उसको श्रवण कुमार कुड़ कुड़ करना शुरू हो गया, जो कि बोला था मेरी जिंदगी उनके पैरों में है, पता नहीं ये बूढ़े लोग मरते भी नहीं है, सलाह क्या है मेरी, सलाह गर्दन है तेरे बैल की तरह हो गई है, वैसे ये है वो है फलाना फलाना। और बाप ने सुन लिया से बोला बेटा चलो यार थोड़ा लास्ट तुमने बहुत सेवा की है, अभी आ गई इधर ही सीढ़ी है पास में, आपको वहाँ छोड़ दो। ओह गॉड, तो उससे बात छोड़ देता हूँ, गुस्से से बात कर रहे हैं। तो उससे बोला बाप ने बोला ये थोड़ी सी यहाँ रेत पड़ी है ना ये भी ले ले, कहता है एक तो मैं जो आप लोग को उठा के चल रहा हूँ, कितने साल हो गए कितने महीने हो गए, ऊपर से रेत का वजन भी उठाना पड़ेगा, और कोई कुछ मार दो मेरे को, पता नहीं कहाँ से मुझे समझ आ रही क्या करूँ मैं तुम्हारा। दांत टूट गए, महंगी लेके चला अपनी उठा के, आगे बाप पीछे बाप एंड ऑल दैट, ऐसा था ना कुछ उसका, कैसे बॉम्बे की टेरिटरी से बाहर निकले और एक पेड़ की छाव के नीचे रुके थोड़ी देर। तो बोले बेटा तू एक काम कर यहीं छोड़ दे हमको, हम यहीं से अगर नज़दीक है हम चले जाएंगे। अरे नहीं कैसे छोड़ दूँ, आपके बिना मेरी लाइफ का मतलब क्या है, हाउ कैन यू, मतलब ये कहते यार अभी तो गालियाँ निकाल रहा था अभी। तो बोले ठीक है बेटा एक काम करो, वो जो रेती लाए थे किधर है थैली को, हाँ हाँ जी पिताजी ये है, वो थैली और ज़मीन पे खाली कर दो, कर दी। बोले अब इसके ऊपर खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया और कहता आगे भी तो बोल रहा बेचारा दिमाग ख़राब कर दिया मेरा, इतनी दूर से लेके आया हूँ भाई यहाँ के खड़े हो गए, ये बात है क्या, और रेत के अंदर ही मैं जैसा असर था ये फिर गालियाँ देने जीत गए। अच्छा इसीलिए वो बोई फैंटास्टिक। बम्बई में जो रह जाता है उसका कहीं दिल नहीं लगता है, हाँ समझ गया। कितना भी बढ़िया लोकेशन पे आउटडोर जाते हैं, चलो यार भी अरे छोड़ दो ना यार भी 2 दिन हो गए यार मैं छोड़ ला यार। वापस गया यार। हाँ और घर आते फिर जैसे अभी चाय बांट रही थी कितना टाइम लगा रहे थे लोग परेशान, मज़ा आ गया चलता यार, है। मज़ा फैंटास्टिक।